हरियाणा चुनाव के परिणामों पर बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, अनिल विज अंबाला विधानसभा सीट से जीत गए हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज जीत चुके हैं। हरियाणा रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 25 सीटों पर आगे है। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी आज रात 9 बजे जीत का जश्न मनाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जनमत साफ है। एनसी कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। 48 से 49 सीट पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में आगे है, लेकिन हरियाणा में विपक्ष को करारा झटका लगा है। बीजेपी बहुमत में आगे बढ़ रही है, बहुमत के आंकड़ों को छूती नजर आ रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अनिल विज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री चुनाव जीत चुके हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज ने चुनाव जीत लिया है। हरियाणा में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यह भी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विजयादशमी के दिन शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी बंपर जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अंतर्कलह और दो शेरों की लड़ाई के बीच में फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी का कमल हरियाणा में तीसरी बार खेलने जा रहा है। राधिका खेड़ा क्या कुछ कह रही हैं इस जीत पर, वो सुनवाते हैं आपको। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं। राधिका जी, अभी जो चुनाव आए हैं, बड़ी हरियाणा को कहा जाए कि बड़ी अप्रत्याशित जो है आप लोगों को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? सभी को जय श्री राम। और ये प्रत्याशित क्यों है, हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि देश लगातार मोदी जी की नीति और नियत में विश्वास करता है। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था, तब भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार में लगातार देश अपना मत देती आ रही है। तो जब छत्तीसगढ़ में ये हो गया, तब भी क्यों लोग ऐसे सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा? कहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी? हम लगातार कह रहे थे कि जवान हो, किसान हो, महिला हो, पहलवान हो, कोई नाराज नहीं है। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा जो नैरेटिव बन रहे थे वो राहुल गांधी ही रचते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, खिलाड़ियों के साथ अपमान का मुद्दा हो, या फिर किसानों के आंदोलन का मुद्दा हो। क्या ये उसके खिलाफ आप मैंडेट आप लोगों के मिल गया है, या फिर कहा जाए कि उनकी बातें अपील नहीं की है? आप उस इंसान की बात कर रहे हैं जब आज नतीजा आ रहा है, उनकी पार्टी हार रही है, तो वो विदेश भाग गए हैं। जो पीठ थला दिखा के दुम दबा के विदेश भाग जाते हैं जब उनकी पार्टी हारती है, उनकी बात पे कहाँ जनता विश्वास करेगी? जो जॉर्ज सोरस के साथ बैठ के अमेरिका में देश विरोधी ताकतों के साथ बैठ के देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, देश प्रदेश की महिलाएं हरियाणा की बेटियों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, जो पूरा घटनाक्रम रचा ये दिखाने को कि पहलवानों के हम खिलाफ है, क्यों नहीं गए दीपिंदर हुडा जब नीरज चोपड़ा वापस आए थे, मन्नू भाकड़ वापस आई थी, अमित शरावत जो 3 मेडल हरियाणा के बच्चे लेकर आए, क्या वो हरियाणा के बच्चे नहीं थे? क्या हरियाणा की जनता देख नहीं रही थी कि किस तरीके से जलेबी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है? जो आदमी ये कहता है कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी उसको कौन चुनेगा? अरे यही होता है ना, जब किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट करोगे तो नतीजा यही आएगा कि आज दुम दबा के राहुल गांधी को विदेश भागना पड़ रहा है। ये मौका है, जमकर बरसने का मौका है, क्योंकि पूरे हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर बहुत आक्रामक थे, हमले बोल रहे थे, और कहीं ना कहीं प्रासंगिकता के खेल में भी बीजेपी पीछे छूटती नजर आ रही थी, लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता क्या रिएक्शन दे रहे हैं, देखिए। रिजल्ट आ रहे हैं रुझान के, उसमें ये देखा जा रहा है कि आप लोग जो है बाजी पलटते हुए दिखाई दिए और हैट्रिक लगाने जा रहे हैं एक तरह से हरियाणा में, क्या कहेंगे? देखिए, कोई बाजी नहीं पलटी है। हमें शुरुआत से पता था कि हरियाणा में जो प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास का काम किया है, वहाँ पर सभी समाजों को साथ में ले जाकर आगे बढ़ाने का काम किया है, किसान हो, पहलवान हो, चाहे जवान हो, नौजवान हो, सबके लिए हमने काम किया है, उनको सम्मान हमने दिया है। कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान और नफरत के भाईजान बनकर आई, परंतु जिस प्रकार से दलितों को उन्होंने ठगा है, जिस प्रकार से राम मंदिर और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान उन्होंने किया है, तो जनता ने उनके नकारात्मक एजेंडे को नकारा है। और जो प्रो इनकम्बेंसी की लहर मोदी जी के आने के बाद 2014 से इस देश में लगातार बह रही है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह हमारी सरकार बार बार बनती रहती है, ये मोदी जी का करिश्मा है, उनके काम का, परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का ये करिश्मा है, जिसकी वजह से फिर से एक बार अब
मध्य प्रदेश के बाद हमारी सरकार रिपीट हो रही है हरियाणा में, जो ऐतिहासिक है। तीसरी बार सरकार रिपीट होना, ये कभी नहीं हुआ हरियाणा। क्या मानते हैं, जिस तरह से चुनाव के दौरान देखा गया कि राहुल गांधी और उनकी टीम बड़ी लाउड थी, प्रचार के दौरान भी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही थी, किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठा रही थी, खिलाड़ियों का, क्या उसको मैंडेट के जरिए लाउड थे? अब वो नॉट फाउंड है। अब मैं सुबह से खोज रहा हूँ दूरबीन लेकर कि इनके जो बड़े बड़े लाउड प्रवक्ता है, वो लाउड प्रवक्ता सुबह जलेबी बांट रहे थे। अब जलेबी बांटने वाले अब क्या हो गया है, वो गायब हो चुके हैं और जलेबियाँ बातों की बना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कहीं पर दोष दे रहे हैं। अब कुछ देर बाद जनता को भी दोष देना शुरू कर देंगे। सब कुछ बदल गया है हरियाणा में, क्योंकि दावे कुछ और थे, वादे कुछ और थे, लेकिन जनमत ना दावों पर फिसला है ना ही वादों पर झूमता नजर आ रहा है। जनमत अपने हिसाब से सामने निकल कर आ रहा है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन सवाल उठने लगे हैं हरियाणा में। कुमारी शैलजा ने आरोप लगा दिए इलेक्शन कमीशन पर, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। विश्वास कीजिए, सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं, और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। संयम बरतने की बात कह रही है कुमारी शैलजा, कह रही है संयम बरतना चाहिए। 5 से 6 राउंड अभी भी बाकी हैं, उसके बाद अंतिम नतीजे आएंगे, लेकिन रुझान तो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिसलती नजर आ रही है। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, ज्यादा जानकारी देंगे, ज्यादा तफसील से इन चुनावों के नतीजों पर बातचीत करेंगे। अमृत, कुमारी शैलजा कह रही है कि संयम बरतना चाहिए, क्या यही संयम कुमारी शैलजा को भी नहीं बरतना था? क्योंकि देखिए आज परिणाम आ रहे हैं, लेकिन कल रात तक भी लड़ाई जारी थी, टसल जारी थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जनमत ही नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस पार्टी को। भारत कुमारी शैलजा का एक और बयान आ गया है और अभी ये बहुत ही ताजा और लेटेस्ट बयान है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से उन्होंने हार स्वीकार की है हरियाणा में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगा डाले हैं। उनकी जबान में ही ये बात झलक रही है कि कांग्रेस आखिर हरियाणा में क्यों हारी। उन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है कि एक कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी ने जो हवा तैयार की थी उसको विनेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं किया, दूसरा उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाया, तालमेल में क्या कमी रही, क्यों रही, इसके ऊपर समीक्षा की जाए। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ किया, क्योंकि हुड्डा ही ऐसे काटा थे जिससे लगातार कुमारी शैलजा को परेशानी हो रही थी। ये दोनों टाइटन आपस में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी लड़ते रहे। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का हाथ पकड़ा और एक दूसरे से हाथ मिलाया भी महेंद्रगढ़ की रैली में। लेकिन आप ये सोचिए कि इस दौरान दोनों नेताओं के हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। साफ सी बात है कि चुनाव प्रचार के एक बड़ा हिस्सा जो कि कहा जाए कोऑर्डिनेशन बनाने बिगाड़ने में रहा। हालांकि राहुल गांधी मीडिया में जो उनको हाइप मिली थी, ग्राउंड में भी जो लोग बोल रहे थे, शोर मचा रहे थे, वो दो चीजों पे था। एक तो राहुल गांधी का प्रचार तंत्र काफी बहुत मजबूती से काम कर रहा था, दूसरा जो हुड्डा की जो एक लामबंदी थी जाट वोटरों में वो काफी लाउड थे, और इसी चक्कर में सभी जो है कहा जाए कि गच्चा खा गए कि पार्टी बीजेपी जो है बहुत बढ़िया कर रही है। उनको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कुछ जो है इस मामले में नर्वस नजर आ रही, लेकिन बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से अपने कैडर के साथ अपने वोटों को साधने में जुटी थी, जहां अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इनके बयानों में हरियाणा चुनावों की बहुत सी रणनीति, बहुत से राज छुपे। सुनिए। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। तो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है।
अनिल विज अंबाला कैंट से विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। हरियाणा में पिछले कुछ समय से संटिंग मोड पर चले गए थे, लेकिन अभी आपने सुना होगा आवाज में वो तेवर दिखाई दे रहा था, आंकड़ों को छूने का, बहुमत को छूने का यही तेवर होता है। चलते हैं अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से लगातार बातचीत करने के लिए। अमृत, हम आएंगे इस पर कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, अनिल विज पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे थे अमृत, वो कहीं से भी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा या फिर कुमारी शैलजा के बीच उसको देखना सही नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन एक करारा तमाचा नहीं है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप हरियाणा में भी बतौर विकल्प चुनकर नहीं आ पाते हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बावजूद वहां की जनता आपको विकल्प के तौर पर स्वीकारने को अभी भी तैयार नहीं है। भारत, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि अभी एक हफ्ते पहले हम जब लाइव पे ही थे, आप और हम दोनों का जो एक चुनावी मामलों को लेकर के जब हम रास्ता कर रहे थे, उसी दौरान आपने एक शब्द कहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी कोई हालत ना हो जाए। बिल्कुल कमोबेश छत्तीसगढ़ वाली ही हालत दिखाई दे रही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल जो है एक बहुत ही अच्छी आंधी और कामयाबी बनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन नीचे से उनके पर जो है कट गए। उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी जिस तरह से अग्निवीर को करके खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ वो राष्ट्र का अपमान है, उस तरह से चल रहे थे। किसान आंदोलन से जो कहा जा रहा था कि भूमिका बनी हुई है वो आम जन-जन तक पहुंची हुई है, और जैसे कि जो भी कहा जाए पत्रकार बिरादरी जा रही थी वो बातचीत कर रही थी, तो उसी तरह का एक तेवर लाउड जो चेहरे हमें सामने दिखाई दे रहे थे। लेकिन सब कुछ जो सामने दिखाई देता है वो होता नहीं है, सामने वही बोलता है जो दबंग हो, जिसके पास ताकत हो, जिसको किसी का भय ना हो। लेकिन सोचिए, इस चुनाव ने एक और चीज भी दर्शाई है कि यहां पे अभी भी कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड्स टाइप लोग हैं जो वो अपनी एक ऐसी हैसियत रखते हैं जिनके बरक्स कोई अभी भी मुंह नहीं खोल सकता। लेकिन यही लोकतंत्र की जीत है कि आदमी जो बोलता नहीं है वो जा करके सीधे ईवीएम में बटन दबाता है। हरियाणा में भी यही देखने को मिला है, जो व्यक्ति बोल नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था और चुपचाप निकल जा रहा था। जम्मू कश्मीर पर भी तुरंत से आपसे चाहूंगा मैं विश्लेषण। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे भी बहुत अलग तरीके से सामने आए हैं अमृत, जम्मू कश्मीर के नतीजे भी बहुत अलग तरीके से सामने आए। लेकिन जम्मू कश्मीर पर बात करें उससे पहले विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही है वो हम सुनवा देते हैं आप सभी को, क्योंकि जुलाना सीट हाई प्रोफाइल सीट रही है और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने भी कहा था कि जुलाना की जो दावेदारी थी वो हरियाणा चुनाव से बहुत अलग थी, जीत गई है विनेश फोगाट। क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। लड़की की हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है, आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। इसका मतलब हम महान आदमी है, अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई, लेकिन नैया तो पार हो गई लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है यहाँ पर विनेश फोगाट की जीत को लेकर, क्योंकि अब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर, मेरे नाम के ऊपर राजनीति करके ये जीत मिली है। चलते हैं अपने सहयोगी अमृत तिवारी के पास। अमृत जी, बयान आपने भी सुना, अब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेरे नाम के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया और मेरे नाम के ऊपर राजनीति करके विनेश फोगाट जीती है जुलाना से। भारत, जुलाना की अगर बात करेंगे, ठीक है ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, अब चूंकि सांकेतिक रूप से वार पलटवार दोनों का हम जानते हैं इतिहास रहा है, लेकिन अभी जो आज के मौजूद स्थिति की बात करेंगे तो जुलाना सीट पे पहले भी बीजेपी बुरी शिकस्त जो है झेल चुकी है। पिछला चुनाव उन्हें INLD के उम्मीदवार, जहाँ तक मुझे याद है, या JJP के, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, इनमें से वो हराया था और भारी अंतर, मतों के अंतर से हार हुई थी। अब इस बार जो है देखेंगे वही उम्मीदवार जो थे, माफ कीजिएगा, हाँ वो JJP से थे और अभी उम्मीदवार INLD से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, वही उम्मीदवार जो है एक तरह से कहा जाए उनको मात्र 2000 की 2500 वोट मिला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जाट वोट बटे हैं और यहाँ पे जो है जो सीट जहाँ पे कहा जाए कि पहले से गैर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, उसका लाभ कहीं ना कहीं एक हद तक जो है विनेश फोगाट को मिला है। हाँ, जो चर्चाएं थी उनके लिए जो हाइप थी वो एक काम की थी हवा बनाने में, लेकिन जो एक तरह से कहा जाए एंटी बीजेपी जिस जुलाना सीट पे एक माहौल रहता है उसका लाभ उन्हें जरूर कहीं ना कहीं
यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया। और यही पूरे हरियाणा में रहा है कि बीजेपी को लाभ इसलिए दूसरी जगहों पे मिला है, अगर जुलाना को छोड़ दे, कि जाट वोटर जो है INLD JJP और खासतौर पर कहें तो कांग्रेस में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर पर भी बात कर लेते हैं अमृत जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। एक चीज ये भी है कि कश्मीर की आवाम आज भी अपने आप को कश्मीरी पहले मान रही है, बाद में फिर अपने आप को केंद्र सरकार या बीजेपी से जोड़कर देख रही है, क्योंकि आंकड़े वही बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस पार्टी को साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की संख्या भले ही कम है, लेकिन वाहवाही तो वो अपनी कर ही रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर क्या कहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का इस्तीफा भी आ गया। देखिए भारत, अभी जो सामने स्थिति आ रही है कि जो हमारी भी बात हुई है, रविंद्र रैना शायद अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, हालांकि उसका इंतजार करते हैं स्पष्ट होने का। दूसरी तरफ देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जितना वोट पा रही थी, अब देखेंगे पूरा वोट प्रतिशत क्या है, लेकिन सीटों के आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उलट फेर भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ के लिए नहीं है। हाँ, कश्मीर घाटी में जिस तरह से PDP को जो एक तरह से एक नया केंद्र बनती थी, यहाँ पे PDP का सफाया हुआ है, आप ये देखिए, और उसका कहीं ना कहीं माइलेज जो उठा रही है वो NC उठा रही है, उसके साथ में लगे हाथ कांग्रेस उनके साथ है, एक कहा जाए कि PDP के नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी साथी है, जिस मंसूबे से और पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को जिनसे ज्यादा उम्मीद थी, जिसमें इंजीनियर राशिद की पार्टी थी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की थी, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट थे, एक ही सीट पर 30-30 इंडिपेंडेंट खड़े थे। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं पहले आपको। उमर अब्दुल्ला आए हैं मीडिया के सामने, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूंगा। बदगाम या गांदरबल, क्योंकि गांदरबल आपका बेस्टन रहा है, व्हाट विल बी योर ऑप्शन? सर्टिफिकेट हाथ में लिए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, मुझे साथियों के साथ बैठ के थोड़ा सा इस जीत का मजा लेने दीजिए, उसके बाद हम ये जो सवाल है इनके जवाब बाद में देंगे ना, अभी फिलहाल इस चीज पे मैं बात नहीं करूंगा। हमने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलानी है, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनना है, उसके बाद अलायंस के साथ बैठ के अलायंस का लीडर चुनना है, अलायंस का लीडर चुनने के बाद वी हैव टू स्टेक आवर क्लेम फॉर गवर्नमेंट। So there are a lot of important things that need to be decided over the next few days. So let us decide those other things, like which seat I will continue to represent is something I will decide in a few days. अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी नतीजे आए हैं, जरा मजा लेने दीजिए, आंकड़े लुभाने वाले हैं, यही कह रहे थे उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती, PDP ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार स्वीकार की, उन्होंने बधाई भी दी है, क्या कुछ कह रही है इन नतीजों पर महबूबा मुफ्ती, सुनिए पहले। कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कयादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, जम्मू कश्मीर पर बात कर लेते हैं। अमृत जी, आपने बहुत स्पष्ट बात कही है कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो है वो बहुत चौतरफा थी, बीजेपी अपने जगह PDP NC और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जहां थी वहां टिकती दिखाई दे रही है, 29 सीट है बीजेपी के लिहाज से, सही है, बीजेपी ठीक मान रही है, लेकिन PDP का सफाया हो गया, इल्तिजा मुफ्ती इतनी आक्रामक थी लेकिन जनमत का साथ नहीं मिला PDP को इस बार। देखिए, इस जनमत ने एक संदेश जरूर दिया है, एक तो ये है कि उमर अब्दुल्ला की जो कोशिश रही थी, जैसे लोकसभा चुनाव में जो उनको बहुत ही वो डिसहार्टनिंग फील कर रहे थे, बहुत ही टूटे हुए महसूस कर रहे थे, अब वो जुड़ जाएंगे, और दूसरी तरफ है कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐसा दिखाया गया है कि देखिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, कश्मीर वैली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, यानी कि इस मैंडेट का यही जो है कहा जाए कि मजमून निकल करके सामने आ रहा है। महबूबा मुफ्ती की कोशिश थी कि वो इल्तिजा मुफ्ती को मैदान में आगे करके फिर से अपना रिवाइवल करें, और जो एक पारंपरिक विरासत है राजनीति की उसके ऊपर होल्ड कर लें। उन्होंने यह भी कल तक अपना बयान जारी कर दिया कि अगर 2019-20 हुआ तो वो सरकार बनाने में मदद भी करेंगी, लेकिन अब यहाँ मदद की तो कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता ये देखिए कि हालांकि राजनीति में कोई भी चीज़ कहा जाए कि पूरी
पूरी तरह से साफ हो जाए नहीं है सही कहना, लेकिन इस चुनाव में तो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और इसका सीधा सीधा लाभ जो है एनसी को मिला है और कांग्रेस जो गठबंधन है इनको मिला है। दूसरी पार्टियों की जैसा कि मैं बात कर रहा था, इंजीनियर राशिद की ही ले लीजिए, चाहे सज्जाद लोन की, एक वहां पे एक ऐसी नैरेटिव भी चली और लोगों में ये चला कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। और हमने बिल्कुल हरियाणा चुनावों ने, अगर मैं साफ कहूं तो हरियाणा चुनाव ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि तैयारी सिर्फ अति उत्साह पर नहीं होती, अति उत्साह में अगर उद्दंडता आ गई तो नहीं चुनेंगे आपको, वही स्पष्ट आ रहा नजर। और जम्मू कश्मीर में भी यह बात साफ है कि कश्मीर के लोग अभी भी राजनीतिक तौर पर तो अपने आप को दिल्ली के बहुत करीब देख नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमृत जी इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावों के नतीजे अब आगे भी सियासत को और गरमाने वाले हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा ने हरियाणा में चुनाव सवाल खड़ा कर दिया है चुनावी इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर। हालांकि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में कह रहे हैं कि अभी तो मजा लेने दीजिए, बाद में बात करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा।